भाजपा, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के पुराने गठबंधनों के टूटने के बाद महाराष्ट्र की चुनावी फिजा में काफी गर्मी पैदा हो गई है। संभव है कि अब चुनावी मैदान में पुराने दोस्त एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आए। भाजपा शिवसेना का 25 साल पुराना गठबंधन टूटने के बाद ऐसे कयास लग रहे थे कि भाजपा एनसीपी के साथ हाथ मिला सकती है, लेकिन दोनों ने ऐसी अटकलों को पुरजोर ढंग से खारिज कर दिया। जो फार्मूला कांग्रेस के द्वारा ही बनाया गया था 2009 और 10 में, उस फार्मूले के अंतर्गत अगर सीटों का बंटवारा होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन अब जाहिर है कि एक राजनीतिक दल होने की हैसियत से अब हम लोगों को अकेले चुनाव में जाना पड़ेगा और हम लोग उसके लिए तैयार हैं। गठबंधन की गांठ खुली तो कुछ नए रास्ते भी तलाशे गए। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर समाजवादी पार्टी के अच्छे प्रदर्शन का फायदा महाराष्ट्र में उठाने का फैसला किया। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी ने 20 साल पुरानी लड़ाई इसलिए खत्म किया कि सेकुलर वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, वही चीज को देख करके मैंने अब की बार कहा कि कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ हम सबको एक साथ जाना चाहिए। हमारी बात पिछले कई हफ्तों से चल रही थी, परंतु अफसोस मुझे कि हम सारे सेकुलर लोगों को इकट्ठा नहीं कर सके और एनसीपी जो है अलग हो गई और आज हमारा जो है ये गठबंधन हो गया है सेकुलर वोटों का बंटवारा रोकने के लिए। अब महायुति के छोटे दलों को फैसला करना है कि वो किसके साथ रहेंगे। स्वाभिमानी पक्ष ने बिना शर्त भाजपा के साथ रहने का फैसला किया, लेकिन आरपीआई अठावले ने अड़ंगा लगा दिया है। शिवसेना के साथ जाते हैं तो बीजेपी के कोटे वाली जो सीटें है उसमें से सिटी हमको मिल सकती है, और अगर हमारा बीजेपी का निर्णय होता है तो मतलब शिवसेना की कोटे वाली जो सीट है वो हमको मिल सकती है। तो ये थोड़ा एक्सरसाइज उन लोगों का भी चल रहा है और शाम तक, आज रात तक मतलब हम दोनों से चर्चा करेंगे और कल हमारा निर्णय हम अनाउंस करेंगे। गठबंधन के टूटने के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें ताजा राजनीतिक स्थिति से अवगत कराया। वहीं भाजपा के एकनाथ खड़से ने राज्यपाल से मिलकर कांग्रेस की अल्पमत सरकार को बर्खास्त करने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। राज्यपाल जी से ये मांग की है कि ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है और यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस ने अपना सपोर्ट निकाल लिया है और ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट जो है ये गवर्नमेंट को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और यहाँ राष्ट्रपति शासन लाना चाहिए। दोनों गठबंधन टूटने के साथ ही महाराष्ट्र में सभी राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। लोकसभा चुनाव में हार के बाद हाशिए पर पहुंच गए राज ठाकरे की स्थिति अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। उनकी उपस्थिति के कारण अब लड़ाई पंचकोड़ी हो गई है। चुनाव से ठीक पहले एनसीपी के अलग हो जाने से सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही कांग्रेस के पास अपनी कमियों के लिए एनसीपी को जिम्मेदार ठहराने का मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।